मेरा असली नाम है सुनील कुमार सिंह और शो में मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ विद्वान सिंह का। विद्वान सिंह जी, आज पूरी फैमिली के साथ यहाँ एक कंपटीशन में क्या है सर? ये एक गांव में एक कपल रेस हो रही है जिसमें सारे जोड़े भाग लेंगे। इसमें मेरे बेटे और बहुओं ने भाग लिया है और हम इस उम्मीद से आए हैं कि हमारी बहुएं और बेटे दोनों जोड़े जीतें शो को। वही एक जिज्ञासा कि कौन जीतेगा, कौन क्या होगा, उसी का साथ। फैमिली ने बहुत बड़ा त्याग दिया है, एक आज अनुराग जानबूझ के उसको जिताया है, रागनी अनुराग ने। देखिए, ये हमारा परिवार बहुत संस्कारों वाला परिवार है। मतलब हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे सामने वाले को और अच्छी मदद मिले, वो तरक्की करे। हमारा एक मतलब एक अच्छे संस्कार है पूरे परिवार में, वही दिखता है आपको। घर के किराए की बात है कहीं ना कहीं? हाँ, देखिए मेरी धर्मपत्नी जो हैं वो थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ी बहुत, उनके मत हमसे अलग होते हैं। वो थोड़ी शायद पैसे को लेके लालची भी नहीं कहूँगा, थोड़ी चाहती हैं कि ज़्यादा पैसा रहे उनके पास, बस इतनी सी बात। और मैं ऐसा हूँ जो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ सही का साथ देता हूँ। अगर गलत है, वो चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बहू हो, चाहे मेरी पत्नी हो या माँ हो, कोई भी हो, मैं उसके साथ नहीं हूँ। जो सही है मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मेरा नाम अमित कौशिक है और इस शो में जो किरदार मैं कर रहा हूँ उस किरदार का नाम है विकराल सिंह। विकराल सिंह, आज क्या चल रहा है? आज ये एक प्रतियोगिता है यहाँ पे जो इसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इस प्रतियोगिता में जो है सारी महिलाएं भाग ले रही हैं। विद्वान सिंह के घर की, विद्वान सिंह जो हमारे समधि भी हुए और उनके घर की सारी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसमें भाग ले रही हैं। और कुछ सीन ऐसा है कि रागिनी सिंह और अनुराग सिंह ये लोग जीते जीते भी हार जाते हैं, जो बात विकराल सिंह को बहुत पसंद आती है और वो कहता भी है कि आज आप हार करके भी जीत गए। कितना प्राउड अपने दामाद पे आपको, आज ये बहुत बड़ा त्याग दिया उन्होंने? वाकई बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ मैं और अपने बेटा जी भी उतना ही प्राउड है मुझे। कुछ ना कुछ आपकी जो छवि है दबंगाई है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे हाँ, ये लुक भी बड़ा दबंग है और जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ऐसा है कि ये अपनी बिटिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। उसको हर लेवल के की ट्रेनिंग उसको दी है उसने कि कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे हथियार चलाया जाता है, कि किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर रागिनी सिंह वो अपने आप को अकेली महसूस ना करे। उसे हर तरह की दुनियादारी जो है वो समझ में आनी चाहिए। उस लेवल पर अपने बेटा जी को इसने ट्रेन किया है और जो शादी भी हुई है तो वो बंदूक के नोक पे शादी हुई थी। मैंने पूरे बारात को अगवा कर लिया था क्योंकि मैंने पैसे दिए थे कि ये बारात तो मेरे ही घर आएगी, लेकिन बारात किसी और के घर जा रही है तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और उस बारात का रुख जो है मैं अपने मंडप की तरफ मोड़ देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बेटी और दामाद इस बात से सहमत है, खुशी है परिवार में इतना, अगर बाप ने इतनी दबंगाई दिखाई है? बहुत सारी उलझनें आई परिवार में, डेफिनेटली कई तरीके के कलेश भी हुए, जो आप लोग अगर सीरियल फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ्लेवर मिल रहा होगा। बट अब चीज़ें स्मूथ लग रही हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य अच्छा हो गया है, तालमेल बहुत अच्छा हो गया, दोनों के बीच प्यार पनप चुका है। अब लेट्स सी, अब आगे जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर हैं या जो क्रिएटिव हेड हैं चैनल्स के, अब वो उसको कैसे मोड़ देते हैं ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, पर अभी तक फिलहाल ये चल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।